जय माता दी। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माह से दिसंबर माह तक के चार महीनों के कुंभ राशि फल के बारे में, क्योंकि इन चार महीनों में जो ग्रहों की स्थिति है उसमें परिवर्तन होंगे और बड़े परिवर्तन होंगे, और इन परिवर्तनों का प्रभाव इस वर्ष के अंतिम चार महीनों को कैसा बनाने वाला है, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये कुंभ राशि की कुंडली आप देख रहे हैं, जिसमें कि ग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि शनि जो आपके लग्न में विराजमान है और वक्रस्थ स्थिति में है। इसके अलावा राहु आपके सेकंड हाउस में विराजमान है मीन राशि में, गुरु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, और केतु ये आपके एट्थ हाउस में विराजमान है कन्या राशि में। तो ये जो ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं, जो इसी जगह पर रहने वाले हैं आपके लिए इस वर्ष के अंत तक। बाकी ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो बुध ग्रह हो गए, मंगल हो गए और शुक्रदेव हो गए। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन कम समय सीमा में होता रहता है। जैसे बुध का जो राशि परिवर्तन है वो 20 से 25 दिनों का है, इसी तरह से इन ग्रहों का राशि परिवर्तन है। लेकिन इन ग्रहों का जो बदलाव होगा वो काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला होगा। जैसे कि मैं सूर्य की बात करूं, अभी जो सूर्य है वो कर्क राशि में विराजमान है इस समय अवधि में, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन चार महीनों में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो सिंह राशि से और धनु राशि में होगा। सिंह राशि से गोचर करते हुए सिंह राशि में जाएंगे, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में और धनु में, इन राशियों में गोचर रहेगा इस वर्ष के अंत तक। तो सूर्य का गोचर भी आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। इसके अलावा 15 नवंबर का जो दिन होगा वो बड़ा विशेष दिन होने वाला है, क्योंकि 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। आपकी लग्न में वक्रस्थ स्थिति में बैठे हैं अभी, वक्री यानी कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, धीमी चाल चलना, तो ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 9 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। एक चीज मैं बताऊं, जो वक्री ग्रह होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वक्री ग्रह सबसे अधिक पावरफुल ग्रह माना जाता है। तो 9 अक्टूबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे और 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अभी मंगल कहां, मंगल यहां आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद एक ही राशि परिवर्तन होगा, ये होगा 20 अक्टूबर को, और मंगल आ जाएंगे कर्क राशि में यानी आपके सिक्स हाउस में, और इस वर्ष के अंत तक यानी कि दिसंबर के अंत तक 2024 के अंत तक यही रहेंगे आपके फोर्थ, आपके सिक्स हाउस में। तो ये जो ग्रहों की स्थितियां हो गई ये कई बड़े परिवर्तन को लेकर आई हैं, और ये परिवर्तन कैसे होंगे, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में होंगे। अब मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन चार महीनों की, तो देखिए सबसे बड़ी जो चीज है कि इन महीनों में जो सितंबर का महीना है ये आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। यहां सितंबर के महीने में आपके फिफ्थ हाउस में मंगल विराजमान होंगे, और मंगल फिफ्थ हाउस में बैठकर स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। लेकिन मंगल का यहां होना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो संतान को कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। साथ में प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ईगो सामने आ जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी अगर सूर्य का हम गोचर देखें तो देखिए सूर्य कहां से गोचर करेंगे, सेवंथ हाउस से, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेन और यहां आपके इलेवन, इन हाउसेस में सूर्य जाएंगे। सूर्य का गोचर टेंथ हाउस में होगा बहुत शुभ होगा, सूर्य का गोचर नाइन्थ हाउस में होगा बहुत शुभ होगा, और यहां मैं कहूंगी नवंबर का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिनको जॉब चाहिए उनके लिए भी, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको अपनी जॉब में, आगे बढ़ने के चांसेस उनको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।
सरकारी जॉब आप पाना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बड़ा तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे से बनेंगे। सूर्य का गोचर आपके आगे आने वाले समय के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बल्कि कहूंगी व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कम रिजल्ट देने वाला रहेगा, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर मैं मंगल की बात करूंगी तो देखिए 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे आपके सिक्स हाउस में। यहां क्या होगा, मंगल जब सिक्स हाउस में जाएंगे तो ये आपके दुश्मनों पर हावी पड़ेंगे। मंगल क्या है, मंगल योद्धा है, योद्धा क्या करेगा, दुश्मन को खड़े भी नहीं होने देगा, ये आपके दुश्मनों के ऊपर हावी रहेगा। आप दुश्मनों के सामने, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और साथ में ये जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपको पराक्रम देगा, आपको साहस देगा, आपको कुछ कर दिखाने की हिम्मत देगा। तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा और सूर्य भी आपको फेम दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस में भी होंगे, 11th हाउस में भी होंगे और आपके यहाँ 9th हाउस में भी होंगे। तो जो ओवरऑल सूर्य का गोचर होगा वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी जॉब के लिए, आपके करियर को बनाने के लिए, आपको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है उसके लिए सूर्य का गोचर काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बात जहां तक आती है राहु की, तो राहु आपके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। राहु की देखिए हम बात कर रहे हैं, राहु क्या है, राहु जो देने वाले हैं ना वो अनलिमिटेड है, राहु जब भी देंगे अनलिमिटेड देंगे। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको भर भर के पैसा देता है, तो धन के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे। और यहाँ ये राशि कौन सी है, ये है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं और गुरु ज्ञान के देवता हैं। गुरु सबसे ज्यादा शुभ होते हैं किसी भी कुंडली के लिए, शुभ स्थान पर बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब यहां से गुरु की जो दृष्टियां हैं वो बड़े कमाल की हैं, एक दृष्टि आपके करियर पर जा रही है, तो आप अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो करियर के लिए अच्छा हो गया। और एक दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 आपके अष्टम पर, तो कहीं ना कहीं आपको एक हिम्मत देगी किसी भी तरह के अगर हेल्थ इश्यू आते हैं तो उससे लड़ने के लिए। बाकी यहाँ पर केतु विराजमान है, केतु पापी ग्रह है, जहां गुरु की दृष्टि जा रही है तो उसको कम करेंगे। और यहाँ पर नौवीं दृष्टि भी होती है गुरु की, तो यह नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 7, 8 और 9, नौवीं दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पे, तो 12th हाउस पे आपके खर्चों को भी कम करने का प्रयास करेगी। अब गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे तो इनकी स्थितियों में बदलाव होगा। वक्री मैंने कहा, वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है, जब ये गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने ज्ञान को फैलाने का भी रहेगा, लेकिन यहां थोड़ा सा परिवार में आपको ध्यान रखना होगा, परिवार के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं अहम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। कुटुंब में अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो सकता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन ओवरऑल देखें तो गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे, गुरु क्योंकि आर्थिक स्थिति के स्वामी होते हैं आपके लिए, गुरु आपके सेकंड हाउस की लॉर्ड है जो फोर्थ में बैठे हैं, तो परिवार के द्वारा धन भी दिलाएंगे और साथ में माता के द्वारा भी धन दिलाएंगे, माता की सेहत भी अच्छी रहेगी, इन चीजों में भी यहाँ इनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब मंगल यहां से गोचर कर जाएंगे 20 अक्टूबर को तो शेयर मार्केट से भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब शनि की बात करते हैं, शनि आपकी राशि के स्वामी है, शनि लग्न में विराजमान है, शनि वक्रस्थ स्थिति में है अभी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कामों को लेकर आप भागदौड़ ज्यादा कर रहे होंगे, आपके लिए जो काम आप कर रहे हैं उसके द्वारा रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। तो यहां शनि जब 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो मार्गी होते ही इनका एक काम है, वक्रस्थ स्थिति होती है जो पीछे चलते हुए प्रतीत होते हैं, जिन कामों को बिगाड़ा गया है या जो काम बिगड़े हैं आपके, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो काम भी आपके अच्छे से चलने लगे, जिन कामों के द्वारा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया उनको ठीक करने का मौका आपको मिल सकता है। क्योंकि शनि मार्गी होने के बाद में 15 नवंबर से अच्छे रिजल्ट देंगे, शनि कर्म फल दाता है। और साथ में एक चीज और है, जैसे मैंने राहु कहा अनलिमिटेड होता है, राहु अनलिमिटेड देता है, लेकिन शनि लिमिट बनाता है कि अगर इस बाउंड्री को आपने क्रॉस किया तो फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, वो शनि है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है।
शनि धीमी गति चलते हैं, एक बूढ़े ग्रह हैं, लेकिन अनुशासन दिखाते हैं। तो अनुशासन में रहकर जो भी कार्य करेंगे, ईमानदारी से जो भी कार्य करेंगे, वो अच्छे रिजल्ट देंगे। हमेशा याद रखें, शनि की राशि है, शनि कभी अपने घर में बैठकर दुख नहीं देता है। शनि अपनी राशि को दुख नहीं देगा, अपनी राशि में बैठा है। लेकिन अगर हम बर्थ की जो स्थिति है, आपका बर्थ चार्ट है जो, उसमें अगर शनि की पोजिशन क्या है, उसके हिसाब से आपको शनि के रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो है कि शनि की साढ़े साती भी चल रही है, शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है। द्वितीय चरण जो चल रहा है, ये शनि भी व्यक्ति को धनवान बनाने का काम करते हैं। शनि की भी स्थिति होती है कि वो धनवान बनाते हैं, जिस तरह से राहु बनाता है, अनलिमिटेड देता है, वैसे ही शनि भी व्यक्ति को रोडपति से करोड़पति बनाते हैं। मार्गी होकर शनि आपके लिए अच्छे रिजल्ट बनाएंगे, शनि आपको व्यापार से लाभ देंगे, शनि आपके जीवन साथी के द्वारा लाभ देंगे। बस जीवन साथी के साथ थोड़ी अहम की तो प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं अहम का टकराव हो सकता है। अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे, धीमी गति से ही चले, लेकिन हाँ, आपका काम जरूर चलेगा। ये स्थितियां आपके लिए प्रबल रहेंगी। अब यहाँ इन चारों महीनों में अगर हम देखें तो सितंबर का महीना अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा महीना आपके लिए अक्टूबर का रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसके बाद का भी है। नवंबर का महीना भी नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और नवंबर के महीने में अच्छे चांसेस मिलेंगे आपको धन कमाने के, पैसे आने के। सबसे ज्यादा योग नवंबर के महीने में है आपके लिए, सबसे ज्यादा। और यहां देखिए, एक नवंबर, नवंबर का महीना जैसे ही शुरू होगा तो त्योहारों की बरसात भी हो जाएगी। दिवाली का त्योहार आ जाएगा एक नवंबर को दिवाली का त्योहार आएगा, और यहां इस दिवाली के बाद से ही स्थितियों में बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। और जब शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर को, तब तो मार्गी होने के बाद आपके जो कार्य आपके पेंडिंग चल रहे थे ना, वो भी पूरे होंगे, और जो आपका अटका हुआ धन था वो भी आपका मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चार महीने काफी विशेष हैं ग्रहों के परिवर्तन के लिए भी। बुध और शुक्र, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए, बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, हमेशा सूर्य के आगे पीछे ही उनका गोचर आपको देखने को मिलेगा, और शुक्र भी उसी के आसपास होते हैं। तो जैसे सूर्य की स्थिति बढ़ती जाएगी सिंह से धनु तक, उसी तरह से बुध की भी स्थिति चलती रहेगी। और यहां सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा गुरु के द्वारा, मंगल के द्वारा, और साथ में शनि के द्वारा। और यहां मंगल आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे, गुरु भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मैं कह सकती हूं कि महीने के अंतिम चार महीने कहीं ना कहीं विशेष होने वाले हैं आपके लिए। यहां प्रेम जीवन की भी हम बात कर लेते हैं, तो प्रेम जीवन के लिए देखा जाए तो सामान्य, मैं कहूंगी सामान्य बना रहेगा। लेकिन जब यहां मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे, सिक्स हाउस में जाएंगे, तब स्थितियों में काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। प्रेम विवाह के योग भी यहां बनने लगेंगे। और यहां जो स्वास्थ्य की मैं बात करूं, हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हेल्थ ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक रहेगी। छोटी मोटी चीजों को छोड़ दें तो हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहने वाली। बस अपनी खाने पीने की चीजों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बाहर के खाने कम खाया करें बाहर का, तो आपका जो एक अपनी एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा, उसकी तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं उपाय के तौर पर आपको कहूंगी कि आप शनि का उपाय करें, अपनी राशि के स्वामी को स्ट्रांग करें। शनि के उपाय के लिए क्या है, मजदूरों की सेवा करना सबसे बड़ा उपाय है, रोगियों की सेवा करना, माता की सेवा करना। शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। या फिर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा होता है। कौन सा, सात मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, धन में भी बढ़ोतरी होगी, और शनि की जो साढ़े साती चल रही है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, शनि के कोई भी दोष है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। बहुत पावरफुल होते हैं रुद्राक्ष, कोई उसमें नेगेटिव नहीं होती, कोई भी उसको पहन भी सकता है, बिना बर्थ चार्ट दिखाए आप पहन सकते हैं, क्योंकि उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।